नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र पथरिया। आप देख रहे हैं बाईटी मीडिया। मैं हूं इस समय यशोदा कोल्ड फरुखाबाद में और यहां पे कुछ आलू की बिक्री हो रही है। ये देखो कुछ मोड़े कटे हैं, ये बिक गया है। यहां पे 601 रुपया पैकेट बिका है। ये चेचक है, ये और बिका है कि नहीं बिका है, 601 रुपया लगे हैं इसके। चेचक है, ख्याति है ये। और एक ये सबसे निवल क्वालिटी का आलू है, इसमें जंगीला भी है, दागी भी है और इसके लगे 501 रुपया पैकेट बिका नहीं है ये। और दादा, इसमें आपका आलू कोई है क्या दादा? इनमें कोई लाट आपकी है या किसकी है? आपकी है। क्या रेट बिकी है? 631 ना, 631 ख्याति है ना? सैंतीस सत्तानवे 631 बिका। अरे ये देखो भैया, 3797 है ये साइज वगैरह ये है। और ये बिका 631 रुपया पैकेट, मतलब 53 किलो ना, 53 किलो से बिक्री होगी। भाड़ा आपको देना पड़ेगा इसमें, विद कोल्ड भाड़े के है ये। और ये वाली ये बिकी है 655 में। ये भी ख्याति, ये तो ख्याति लग रहा है ये वाला। ये ख्याति आपका है क्या दादा? गाँव का है ख्याति, 655 बिका ना ये। ये ख्याति बिका है 655 रुपया पैकेट, 53 किलो के हिसाब से भाड़ा जो है किसान को देना पड़ेगा। बिल कोल्ड वाले के रेट है ये, इसकी बिक्री नहीं हुई है। ये बिका है 611 रुपया। ये वाली लाट देखो, बम्फर टाइप का आलू है थोड़ा इसमें। ये बिका है 611 रुपया। ये वाली लाट बिकी थी क्या? ये वाली, ये इसका पता नहीं है। अच्छा चलो आगे देखते हैं। और 645 ये आलू कौन सा? ये ख्याति है कि लंबा लंबा आलू है? इसमें लग तो ख्याति ही जैसा रहा है। ये बिका है 645 रुपया और वो 53 किलो के हिसाब से बिक्री होती है। और सड़ा दागी वगैरह सब बात हो जाता है ना, सड़ा दागी सब बात, हरा कटा जो निकलता है वो भी बात करते हैं क्या? मतलब इसके बाद 53 किलो है फ्रेश आलू, मतलब 53 किलो है। सड़ा दागी कटा फटा जो है वो सब बात हो जाएगा। और बिदकोड़ वाले के रेट है ये। आगे और है देखो, आगे चलते हैं। ये तो सब सूख रहे हैं आलू। देखो यहाँ पे जो भी लाटे कटी हैं उसमें ये वाला आलू जो है सबसे अच्छा दिख रहा है, ख्याति है ये। और साइज का भी बढ़िया है, कलर का भी बढ़िया है। और ये भाई साहब का है, क्या हिसाब बिका दादा? 671 रुपया पैकेट, 53 किलो विद गोल्ड वाले के। हाँ, बिग कोल्ड वाले के। तो मेरी ख्याल से अभी तक जितनी बिक्री हुई उसमें सबसे ऊपर यही लाट है, अभी तक यही नंबर एक बिकी है, 671 रुपया पैकेट। ये ऊपर के रेट है आज ये ख्याति के। ख्याति ये वाला किसका? ये निवल वाला बिक गया है क्या? अच्छा क्या बता रहे? ये भी है बिका, ये भी है। क्या रेट बिका है? दादा ये दादा मनीष साहब, मनीष साहब, अरे जो पीछे वालों निवल वालों का था बिको, जो निवल वालों का था बिको, जो 561 रुपया 561 जवाली कौन सी है नंबर ये देखो बिकी है 561 रुपया जंगीला आलू है ये 611 और ये ख्याति है। किसका है आप में किसी का है क्या? अच्छा कोई किसान नहीं है इसका। अभी 611 रुपया पैकेट लेगा ये। चेचक है एक आदेश में, चेचक है 611 रुपया पैकेट देगा। बाकी तो ये आलू के चेचक वाले ही है मुझे लग रहा है। इसमें हरा है, उसमें चेचक है और उसमें जंग है, मतलब सब में कुछ न कुछ है। हाँ भाई, तो वो जंग वाला है, ये जो है चेचक वाला है और ये है हरा। कलर बहुत बढ़िया है, सही बिके, इतना दाम नहीं बिके, कलर बहुत बढ़िया है।
ये देखो ख्याति चेचक वाला जवाब देगा 551 रुपया आपका है, आपका है क्या? अच्छा अच्छा आपका है दादा, आपका है ये वाला 551 रुपया। पीछे वाली लड़की की है वो चेचक जंग वाली, जंग वाली 61 रुपया 561। जंग वाला अच्छा भी गया, मतलब चेचक वाला कलर बढ़िया है इसका फिर भी। अच्छा ये देखो जंग वाला भी गया 561 रुपया पैकेट, जबकि देखने भी अच्छा लगता है, लेकिन इसमें चेचक है और इसमें जंग है, ये देखने में गंदा लगता है खाली। 561 रुपया पैकेट दिखाइए। और इधर वाला भी हो गया क्या है? हरा वाला नहीं हुआ? अच्छा अच्छा ये हरा वाला देखो, ये जिसमें हरा ज्यादा है और ये बिका नहीं है। ये यहाँ पे देखो चार मोड़े हैं, एक ये बिका नहीं है, ये भी बिका नहीं है, इसमें वही निवल क्वालिटी के हरे भरे ज़्यादा हैं, इसमें भी हरे भरे ज़्यादा हैं, और ये बीज अभी बिका नहीं है ये। और एक ये है ख्याति का, थोड़ा ठीक क्वालिटी में है ये, इसमें चेचक बिचक नहीं है कुछ भी, ये बिका है 661 रुपया पैकेट, वही 53 किलो के हिसाब से। और बाकी इधर देखो एक आलू का सौदा हो रहा है, बढ़िया आलू है ये। करिया ज्यादा ले, ज्यादा ज्यादा करिया का हो फिर बाद में पहले ही करिया ले। ₹65 665 रुपया ठीक ठाक आलू है ये, बढ़िया कलर में भी बढ़िया है ये। हाँ पैसे तो सुपर में ही गिरा जाएगा कलर वलर देख के, लेकिन अब भाव के हिसाब से बस। ये वाली लाट बिकी है देखो 665 रुपया पैकेट, और वो भी 665 ही है, उधर वाली वो भी 665 है। और ये वाला चिप्स वाला जो है बिका नहीं है, और आगे 37.97 है शुगर पे। अच्छा आपको है जी? अच्छा अच्छा नवाबगंज से ख्याति है? ख्याति है, बढ़िया आलू है देखो 665 रुपया बिका है ये, बिल्कुल वाले को होगा ना, बिल्कुल वाले पे है। इधर देखो शुगर फ्री 37.97 है एक, ये देखो है 37.97 शुगर फ्री, बिका नहीं है ये। कितने पैसे लगे इसके? 681 रुपए लगे इसके, मीडियम साइज है ये, बिका नहीं है ये। एक मिनट शांत रहो, पीछे पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, हमने बनाया पे वही आ जाओ। ये हैं हमारे साथ बबलू जी हैं, अपना क्या नाम है भैया? राजीव कटियार। ये व्यापारी हैं और ये कमीशन एजेंट हैं कोल्ड के। आज क्या हिसाब तक रहे हैं आलू? 671 रुपए तक मैक्सिमम है ख्याति, 37.97 भी 651 बिक गया शायद मेरे ख्याल से। 651 10 पैसे की लाट थी। अच्छा छोटी लाट थी भाई, 37.97 क्या रेट मतलब सही? आलू 700 रुपया तक। अच्छा भाव सभी आलू डाउन है इस टाइम पे, लाल वगैरह हाईलैंड वगैरह कोई डिमांड नहीं है? कोई डिमांड नहीं है। निकासी कितनी हो गई होगी अभी तक? 1.5 लाख अपनी करीब करीब मेरे ख्याल 4 लाख की कैपेसिटी है, पौने चार लाख 1.5 लाख निकल गया। तो निकासी मतलब ठीक है, एवरेज में कुछ कम है? बेचने क्या आप, वो भाव इतना कम हो गया,
भाव कम हो गया तो इसमें और बेचने की हिम्मत नहीं पड़ रही उसकी। इसमें कोई किसान जिसने बेचे आलू? अच्छा, आपका क्या रेट बिका? ₹665। आपका क्या रेट बिका था? अच्छा। आपका किसी का बिका पीछे? और रेट इतना दादा कटियार साहब, रेट इतना कम होने की वजह बाहर मंडिया में डाउन है, सब जगह डाउन हो गया है, बाहर मंडिया डाउन है। आलू क्या मंडियों में ज्यादा पहुंच गया क्या? ज्यादा ही बहुत रेट की वजह डाउन है। लेकिन रेट तो खाली आसाम में जाती है ना, खाली जाती है लेकिन प्रेशर बना भाई, प्रेशर बन जाता है उसका भी। अच्छा, मतलब आसाम का प्रेशर क्या बिहार में भी बन सकता है क्या? अच्छा, तो और मैंने साहब निकासी कितनी कर डाली है? बहुत कम हो रही भैया निकासी इस समय। इस समय ये एक हफ्ते से ये जब से मंडी डाउन हुई, रक्षा बंधन के बाद से जब से ये रेके लगी तो तब से बहुत मंदा हो गया आलू। और लोग ये सोच रहे थे रेके लग देगी तो थोड़ा निकासी और ज्यादा होगी, मात्रा में आलू वहाँ पे पहुंच चुका ना आसाम जी। अब तो रेक के नाम से ही जहाँ जाएगी, हाँ रेक के नाम से ही मंडी डाउन हो जाती है। रेक काश्तकार भी रुक गया है, कह रहा है कि आलू तो अब महंगा होगा। महंगा क्या, मतलब सस्ता तो हो ही गया, सस्ता तो हो ही गया, फिर जो अभी मतलब 700-750 बिक रहा था तो वो तो रेट नहीं मिल रहे हैं उसको। आज मैक्सिमम 771 रुपया बिका है, 671। अब उतने में उसको फिर बेचने में वो लग रहा है कि यार अभी तक 700-711-717 बिक रहा था। जिन लोगों का 23 तारीख को, जो 23 तारीख चल गए 711-721 तक मंगा था, आज 700 के नीचे उनका मिल रहा, 700 के नीचे बिके, 700 के बाजार ही नहीं रहे, 700 के बाजार ही नहीं। कितना 25% के अथवा निकासी हो गई होगी अपने यहाँ ज्यादा? पैंतीस के आसपास पूरे फरुखाबाद में, 35 से कम कहीं नहीं रहा होगा कोई, अब कुछ तो 40-50 के आसपास भी है। यहाँ गड़ाई वाला माल ज्यादा है ना, गंगा पार गालू पड़ता है, बीज वाला ज्यादा है, बाकी और कोल्ड वुड में उतना बीज वाला नहीं है। तो ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।